अच्छा, लास्ट टाइम हमने ना 2.3 के जो पहले दो क्वेश्चन थे उनके ऊपर दो फार्मूले हमने अप्लाई किए थे। एक था जो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से आपने उसको सॉल्व करना था, दूसरा मेथड आपने जो है ना फैक्टराइजेशन बनानी थी, और आज हम उसी का तीसरा मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आप फार्मूले के थ्रू जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a आपके पास गिवन है। अब यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आप देखें तो आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है 4x² माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 11, c इज इक्वल टू 6। अब इन्हीं वैल्यूज़ को आपने उठाना है और फार्मूले में पुट कर देना, b की जगह पर माइनस 11, तो एक माइनस फार्मूले का भी है वो माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b, b स्केयर की जगह पर माइनस 11 का स्केयर माइनस 4a की जगह पर 4, और ए की जगह पे 4 की वैल्यू है, 4 है तो आप 4 पुट करेंगे, सी की जगह पे सी की वैल्यू है वो पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2a, की वैल्यू आपके पास 4 है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आपके पास सॉल्व करके जो आंसर आएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, माइनस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 96 आंसर आ जाएगा। बाहर जो माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। अब 121 में से आप 96 को माइनस करेंगे तो आपके पास 25 जो है वो आंसर आ जाएगा। 25 का आप अंडर रूट लेंगे तो वो आपके पास आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। 11 प्लस माइनस 5 ओवर 8 आपके पास क्वेश्चन बन गई। एक बार आप इसको माइनस में माइनस के साथ सॉल्व कर लें, एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लें। प्लस के साथ सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 2 आया, माइनस के साथ सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास 3/4 आया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसका मैंने बाकी सिंपल क्वेश्चन थे उनको आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ये थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा तो इसको मैंने सॉल्व कर किया हुआ है। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना जी, आपके पास जो क्वेश्चन दी हुई है इसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने कैसे चेंज करना है, यहाँ पर जो है इन दोनों का एलसीएम लेना है, जैसे एक्स माइनस 2 और नीचे आपका जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है वो क्या है जी, एक्स माइनस 2 और एक्स, आपने इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपने इसको डिनोमिनेटर में लिख लेना है। अब यहाँ पे 5/2 देखें तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस टू के साथ कटेगा तो एक्स जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से माइनस फोर ऐसे ही आ जाएगा। अब एक्स जो है एक्स के साथ ख़त्म हो जाएगा तो बाकी आपके पास एक्स माइनस 2 बच जाएगा। एक्स माइनस 2 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5x, और उसके बाद आप सिंपलीफाई कर लें, 5x माइनस 4x प्लस 8 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। नीचे भी इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 3/x प्लस 6। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 2x आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आज जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनी हुई है ना वो आपके पास है जी एक्स स्क्वेयर माइनस 10x और माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 10, सी इज इक्वल टू माइनस 24। अब आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, बी की जगह पे बी की वैल्यू आपने माइनस 10 पुट की, प्लस अंडर रूट माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट की 1 इंटू सी की जगह पे सी की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय 2a, 2a आपके पास 1 है तो वो 1, 10 माइनस प्लस का जो 10 है वो आपस में प्लस हो के तो 10 बन जाएगा, प्लस माइनस 100, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आएगा, 4 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा। एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस 24 के साथ है वो दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस करने के बाद आपके पास 100 प्लस 96 आंसर आ जाएगा। इसको आप सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएंगे एक्स इज इक्वल टू 12 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ इसको आपने समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अंडर रूट को आपने ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए मेथड जो मैंने यूज़ किया, सबसे पहले तो मैंने अंडर रूट वाली साइड जो है ना एक तरफ रखी है, दूसरी चीज़ें उठा के दूसरी तरफ लेके गया हूँ। आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मेरे वाले मेथड से करें, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपने अंडर रूट ख़त्म करके तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, स्केयर लिया दोनों साइडों पे स्केयर लेने के बाद
एक्स प्लस थ्री होल का स्क्वायर, और दूसरी साइड पे आपने जो है अंडर रूट एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर लिया जी। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन आएगा, प्लस टू एक्स इंटू थ्री मतलब प्लस टू ए बी, ए आपके पास एक्स है, बी आपके पास थ्री है, इजिकल टू यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, एक्स प्लस थ्री आपके पास आ जाएगा। इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएं, दूसरी तरफ लेके गए आप, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स माइनस, इस तरफ आके माइनस का एक्स हो जाएगा और थ्री भी इस तरफ आके माइनस का थ्री हो जाएगा, इजिकल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स में से एक आप कम करेंगे तो फाइव एक्स आ जाएगा, नाइन में से थ्री को आप माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस सिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो ये सिंपल फॉर्म कन्वर्ट हो गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब यहाँ पे आप कोई भी मेथड, यहाँ पे उसने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, आप इसमें कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर फैक्टराइजेशन लगाई है, फैक्टराइजेशन का मेथड आपको कल मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने एक्स वाला जो कोफिशेंट है उसको देखना है और उसको कंपेयर करना है कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे फाइव एक्स है, अब फाइव को आपने इस तरह से तोड़ना है कि आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बने। तो फाइव को आप इस तरह से तोड़ें, प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स करेंगे तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो सिक्स बनेगा, माइनस या प्लस करेंगे तो आपके पास प्लस फाइव आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक्स कॉमन ले लिया है, एक्स कॉमन लेने के बाद आपके पास वैल्यू बच गई एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे आपने टू कॉमन ले लिया है, टू कॉमन लेने के बाद आपके पास अंदर वैल्यू बच गई एक्स प्लस थ्री इजिकल टू ज़ीरो। अब दोनों चीज़ें कॉमन है, एक कंसिडर होगी तो एक्स प्लस टू इजिकल टू ज़ीरो, एक्स प्लस थ्री इजिकल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम लेक्चर में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक आध में और भी करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड जजाकल्ला। जाके लो सिखाए।